अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि लालटेन युग का अंत हो चुका है, अब एलईडी की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको समझना होगा कि क्या हमने सवाल पूछा था, क्या खिलता हुआ कमल मोबाइल को रिचार्ज कर देगा, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि समझ लीजिए कि मोदी युग का अंत हो चुका है। खिलता कमल कैसे मोबाइल रिचार्ज कर देगा क्या बताऊं? अरे कीचड़ में खिलता हुआ कमल मोबाइल चार्ज कर देगा? प्रधानमंत्री जी तो दिए नहीं जवाब मेरा। खैर सुनो, युग गया तो उनका भी युग खत्म हो गया, एक बात समझिए। और वो है नेतागिरी कर रहे, नेता वैसा नेता नहीं है वो लोग, आनाशान नेता। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं, और इस बार देश की नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है, और इनको धूल चटाएगा हवा में उड़ने वालों को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो सभी वर्ग को लेकर चलते हैं। अब इसी बयान को लेकर राजद और बीजेपी की बिन बयानबाजी तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने इस पर कहा कि पूरा देश जानता है कि वो सिर्फ दो ही वर्ग की चिंता करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फैक्टर खत्म हो गया मोदी का। अरे अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम 40-40 सीट जीते हैं, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ एकदम सही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाएगी। आचार्य आज नामांकन करेगी, पूरा इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ जाएंगे। आशीर्वाद। फारबिसगंज शहर के आरबी लेन में एनडीए से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद एक जनसभा का एक सभा का भी आयोजन किया गया। मौके पर भाजपा विधायक विद्यासागर केसरी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता, भाजपा और एनडीए कई वरीय नेताओं ने एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार रखे। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि चुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। ऐसे शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा जी, पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय लक्ष्मी नारायण मेहता जी, विधानसभा के प्रभारी अजय झा जी, नीलिमा शाह जी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।